कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ केंद्र सरकार की ओर से पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी ओर गरीबों को रोजी रोटी छिन जाने का डर सता रहा है। वहीं इन सब के बीच एक 60 साल की अम्मा कई सालों से चाय की छोटी सी टपरी से अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। बूढ़ी अम्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी फरहा ने। जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है, जो केसेस हैं वो बार बार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली में काफी पाबंदियां भी हो गई हैं। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम टपरी पर मौजूद हैं, यहाँ पर चाय के लिए काफी लोग आते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाबंदियां बढ़ रही हैं, वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो रहा है, तो लोग जो हैं वो कम आ रहे हैं। और ये जो अम्मा आप जिनको देख रहे हैं, इनकी उम्र 60 साल है, ये अपने घर की रोजी रोटी के लिए यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा पाबंदियां हैं तो एक डर और भय तो मन में आ ही जाता है। तो बात कर लेते हैं अम्मा, यहाँ आप कब से ये काम कर रही हैं और किस तरीके का डर लग रहा है, क्योंकि पहले भी जब लॉकडाउन हुआ और पाबंदियां हुई तो ग्राहक कम हो गए होंगे, तो अभी किस तरीके का भय आपके मन में? वो तो है ही है, जब कोई नहीं आएगा तो डर तो लगेगा ही, तो इसीलिए पब्लिक नहीं होगी तो दुकानदारी कैसे होगी, पब्लिक होगी तो। अच्छा, तो आप यहाँ काम कब से कर रही हैं और अपने घर के लिए रोजी रोटी के लिए कब से यहाँ काम कर रही हैं? 60 साल हो गई मेरे को। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत असर पड़ा होगा? नहीं, बहुत असर पड़ा था, तीन महीना के लिए दुकान भी बंद हो गई थी, हम रोटी रोजगार के भी लिए मोहताज हो गए थे बाबू, हमें खाना भी नहीं नसीब होता था। आप आंखों में नमी देख सकते हैं, क्योंकि 3 महीने एक लंबे अरसे तक दुकान जो बंद थी और ये एक महज सहारा है, तो अभी डर बहुत ज्यादा मन में है कि लग रहा है अगर पाबंदियां होंगी, ऑफिस बंद होंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे बाबू, जब पब्लिक नहीं होगी तो रोटी रोजगार कहाँ से चलेगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा जैसे जैसे कोरोना का डर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोगों को अपने रोजगार छीनने का, अपनी रोजी रोटी छीनने का भी डर है। और आप देख रहे थे किस नम आंखों से अम्मा बता रही थी कि 3 महीने तक पहले भी कारोबार बंद हो चुका और इस बार डर बढ़ गया है कि जैसे जैसे कोरोना रफ्तार ले रहा है उसी तरीके से फिर दुकान बंद हो जाएगी और हम फिर मोहताज हो जाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।